ये आपके क्लास सिक्स के लेसन थर्ड का फोन नंबर का ये सेकंड पार्ट है, जो 2-2.5 मिनट का ये वीडियो होगा। वीडियो कट हो गया था अपने निर्धारित समय से, क्योंकि एक समय सीमा होता है वीडियो बनाने का, काफी लंबा हो गया था फर्स्ट पार्ट जो कि ऑटोमेटिक कट हो गया, तो हमको 2-2.5 मिनट का एक और वीडियो आपको बनाकर और आपका जो ये चैप्टर है समाप्त करेंगे। तो हमारा जो एक अंतिम पॉइंट है इस चैप्टर का वो है डिविजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। डिवीजन एल्गोरिथम अंतिम पॉइंट है। अब डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। देखिए डिवीजन एल्गोरिथम मतलब जब हम डिवाइड करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं 18 डिवाइडेड 5, यानी 18 को 5 से डिवाइड करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, यानी 5 3 15, सब्जेक्ट किए 3 मिला, तो इस 18 को क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड, क्या बोलते हैं डिविडेंड। और ये आपका 5 क्या हो जाएगा, डिविजर। 3 क्या हो जाएगा, कोसेंट। और ये 3 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, ठीक है ना। तो ये आपका 18 हो गया डिविडेंड, जिसको आप क्लास 2 से पढ़ते आ रहे हैं। डिविजर हो गया 5, 3 हो गया कोसेंट और 3 हो गया रिमाइंडर। अब ये जिसे हमको एक फॉर्मूला मिल रहा है, यानी ऐसे कहेंगे 18 इज इक्वल टू 5 × 3 + 3, यानी 18 इज इक्वल टू इतना होगा ना, तो 18 हमारा क्या हो गया, डिविडेंड इज इक्वल टू हमारा डिविजर इनटू क्या हो जाएगा, कोसेंट प्लस रिमाइंडर। देखिए एक फॉर्मूला हमको मिला, इस फॉर्मूला पर आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी बनेगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, एक फॉर्मूला मिला, इसी को बोलते हैं डिविजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना, इस पर बहुत सारा एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, और आप जो भी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को बनाइए। देखिए बहुत सारा कंप्लेन मिल रहा है पेरेंट्स का कि बच्चे केवल वीडियो देख लेते हैं और करते काम नहीं है, यानी घर पर होमवर्क नहीं करते हैं, क्लास वर्क नहीं करते हैं। तो आपको जब हम फेस टू फेस क्लास में मिलेंगे और उस समय आपका कॉपी हम जांच करेंगे कि हमने ये चीज पढ़ा दिया, आप दिखाओ, और नहीं दिखाओगे तो फिर पिटाई होगी। इसलिए आप सीरियस मूड में इस वीडियो को ही, हम वीडियो के माध्यम से ही पढ़ा रहे हैं, तो आप अच्छे तरीके से इसको देखिए, समझिए, बुक का सहायता लीजिए और उसको पढ़िए, नोट कीजिए, याद कीजिए जो चीज बताया जा रहा है, ठीक है ना। उसको आप अवॉइड मत कीजिए, ऐसा मत समझिए कि सर ने वीडियो से पढ़ा दिया और मुझे जो करना है वही करेंगे। तो फिर जब हम फेस टू फेस आपको क्लास में मिलेंगे, क्लास में जब फेस टू फेस पढ़ेंगे, तब उस समय आपकी हम पिटाई कर सकते हैं, इसलिए वैसा नहीं करेंगे। आप इसको ईमानदारी के साथ अपने घर पर पढ़ेंगे, नोट डाउन करेंगे। केवल अंतर यही है कि हम लोग फेस टू फेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्लास में जैसे हम लोग पढ़ते वैसे इस पर भी पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, ये आ सकता है कि हो सकता है मैं जो लिख रहा हूं वो आपको समझ में ना आ रहा हो। जब क्लास में बैठते हैं तो हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप तुरंत उसी समय पूछते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आ सकती है, लेकिन उस समस्या के साथ साथ ही हमको पढ़ना है, उस समस्या का सलूशन भी करना हम ही को है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ाई करें, ठीक है। आप SW बनाए, CW बनाए, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है आप उसको बनाइए, समझ में नहीं आ रहा है उसको जो निर्धारित समय दिया गया उस पर कॉल करके फिर अपने रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट टीचर से बात कीजिए, पूछिए। फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।